तो हे गाइस, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अयान एडिटिंग 111 में। तो गाइस, अभी बजे हैं सुबह के 7। तो गाइस, मैं आपके लिए एक न्यू फोटो एडिटिंग वीडियो लेकर आ गया हूं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर फेस स्मूथ एंड फेस वाइट, मतलब बैकग्राउंड का कलर कैसे एडजस्ट करें, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए गाइस, एडिटिंग को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, हमने अपना लाइटरूम ऐप्स ओपन कर लिया है। सिंपली हमें ऑल्स फोटो पर क्लिक करना है और हमें जो फोटो एडिटिंग करना है वो फोटो को यहाँ ले लेना है। तो गाइस, हमने एक फोटो ले लिया है। फिर उसके बाद सिंपली गाइस करना क्या, हमें फोटो क्रॉप करने के लिए यहाँ क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फोटो को कुछ इस तरह से क्रॉप कर देना है। फोटो क्रॉप हो जाने के बाद सिंपली गाइस यहाँ हमें सही का निशान दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ लाइट वाला ऑप्शन दिखेगा, सिंपली गाइस हमें उस पर क्लिक कर देना है। और इसमें गाइस हमें एक्सपोजर को थोड़ा कम करना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है और साइडों को कुछ इतना रख देना है। फिर उसके बाद सिंपली गाइस हमें यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद हमें कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ऊपर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें रेड वाले कलर को कुछ इस तरह से इतना रखना है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड रेड। इसमें क्या होता है गाइस, अपना फेस का कलर वाइट से, मतलब वाइट एंड किसी भी कलर का आप कर सकते हो, मतलब हमें यहाँ पर वाइट करना है। फिर इसमें सेचुरेशन को कुछ इस तरह से माइनस करना है और लूमियंस को थोड़ा बढ़ा देना है। और अब आप देख सकते हैं हमारा फेस, मतलब कलर थोड़ा चेंज हो गया है। फिर उसके बाद सिंपली गाइस हमें येलो वाले ऑप्शन पर आना होगा और इसमें कुछ इस तरह से रख देना है। उसके बाद आएगा हमारा ग्रीन वाला कलर, इसमें भी कुछ गाइस इसी तरह से रख देना है। फिर उसके बाद आएगा हमारा ये नीला कलर, फिर इसमें कुछ इस तरह से रखना है। कुछ इस तरह से हो जाने बाद यहाँ से हमें डन करना है, फिर इस वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा। फिर इसमें कुछ इस तरह से टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज करना है, क्लैरिटी को भी थोड़ा बढ़ा देना है, विग्नेट को थोड़ा माइनस करना है। उसके बाद हमें यहाँ से डन कर देना है। फिर उसके बाद हमें फ़ोटो को शेयर करके स्केच बुक में ले जाना है फ़ोटो स्मूथ करने के लिए। तो फोटो को कर लेते हैं शेयर स्केच बुक आउटोडेक्स, ये है अपना आउटपुट। और इसमें गाइस कुछ सेटिंग रखनी होगी, जैसे गाइस हमें यहाँ पेंसिल वाले ऊपर आइकन पर क्लिक करना होगा और इसमें जो हमारा स्मूडेज वाला ब्रश आता है, स्मूडेज में ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ऊपर सेटिंग कुछ रख देनी है, ऊपर सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर मतलब फ्लो को 5 ही रखना है, फ्लो को 5, स्ट्रेंथ को भी 5, मतलब 4, इसको आप 4 या 5 रख सकते हैं और साइज को अपने फ़ोटो के हिसाब से रख देना है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से फ़ोटो को जूम करना है और कुछ इस तरह से धीरे धीरे ब्रश करना है। तो गाइस, मैं थोड़ी वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है गाइस, मैं वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर स्मूथ हो रहा है।
तो गाइस अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर फेस स्मूथ हो गया है। तो गाइस इसी टाइप की फ़ोटो एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा फेस स्मूथ कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।